सुजानपुर डिग्री कॉलेज का वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खेलों में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर चुके एवं प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने शिरकत की। नरेंद्र अत्री का पहुंचने पर प्रिंसिपल अनिल गौतम और खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने एथलेटिक प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नरेंद्र अत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज युवाओं को शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि देश की सीमाओं पर आहुतियां देने वाले शहीदों को भूलना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है वह देश ज्यादा मजबूत नहीं रह जाता, और हिमाचल के युवाओं की परंपरा और इतिहास रहा है कि देश को जरूरत पड़ने पर युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि मैदान में जब दो खिलाड़ी उतरते हैं तो वह दोनों ही जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन जीत केवल एक को ही नसीब होती है, लेकिन जो खिलाड़ी हार स्वीकार करता है वह उस हार से बहुत कुछ सीखता है। ऐसे में आज इस प्रतियोगिता में अगर जो खिलाड़ी हारते हैं तो वह अपना मनोबल ना गिराएं और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार मेहनत और प्रयास करें। उन वीरों को याद करें, उन जवानों को याद करें जो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए आए दिन अपने प्राणों की आहुतियां देश की सीमाओं पर दे रहे हैं। बेशक आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेशक आप जीवन के अलग अलग स्वरूपों में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर इन सबको देखते हुए अपने लक्ष्य को याद करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ आप याद उन लोगों को जरूर करें, उन शहीदों को जरूर करें जो आए दिन अपने प्राणों की आहुति केवल इसलिए दे रहे हैं कि हमारा आपका जीवन सुरक्षित हो, हमारा देश एक रहे, हमारा देश अखंड रहे, आप लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाए। क्यों? क्योंकि जो देश अपनी शहादत को भूल जाता, अपने शहीदों को भूल जाता है, वो देश ज्यादा मजबूत नहीं रह सकता। और क्योंकि हिमाचल के युवाओं की परंपरा रही है, हिमाचल के युवाओं का ये इतिहास रहा है कि जब जब देश के लिए आवश्यकता पड़ी हिमाचल के युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो यदि